हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत को गाली देकर हंसने वाली अमेरिका की मुस्लिम सांसद फिर लगा करंट। डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन है, इल्हान अमार ऑन इंडिया। तो चलो, ये हमने वीडियो एक देखी थी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें ट्रंप ने जो है भारत को गाली देकर, मुझे पता नहीं उसने कब गाली बोलती है, भारत के अगेंस्ट है वो, तो इंडिया के अगेंस्ट बहुत है, इसराइल के भी अगेंस्ट है उसको तो, और पाकिस्तान की बड़ी हमदर्द है। देखना पड़ेगा भारत के अगेंस्ट ने क्या बोला था। हाँ, बोलती होगी इनडायरेक्टली, नहीं तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बोलती होगी। उसका एजेंडा तो अपना है ही, वो तो दिख रहा था। कई वीडियोज इसके बारे में हमने बहुत सारी देखी हैं, जिस तरह से उसकी सोच है और जिस तरह से वो बोलती है और जिस तरह से करती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। She came in, she married a brother. ये देखा था हमने। अगर आपको देखना है कि भारत के दुश्मन कैसे दिखते हैं, तो इस महिला को एक बार देख लीजिए। ये महिला भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करती है, भारत को गालियां देकर जोर जोर से हंसती है। अफ्रीकी मूल की ये महिला इल्हान उमर है, जो दुर्भाग्य से अमेरिका की सांसद भी है। इल्हान उमर की नौकरी भारत और इजराइल को गाली देकर ही बची हुई है, लेकिन भारत विरोधी इस महिला के पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये महिला जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस महिला की असलियत दुनिया को दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर एक बयान देकर भारत का बदला ले लिया है। ये बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि इल्हान उमर भारत के बारे में क्या बोलती है। इल्हान उमर तब चर्चा में आई जब ये चुपचाप पीओके पहुंच गई। पाकिस्तान गई थी। पीओके में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती इल्हान उमर को रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस महिला ने पीओके का दौरा करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक फोटो खिंचवाई थी। वो फोटो वायरल हो गई, जिसके बाद पता चला कि ये पीओके में भी गंदगी फैलाने गई थी। ये महिला यहां तक बयान दे चुकी है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान खतरे में है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर के परखच्चे उड़ा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इल्हान उमर वो महिला है जिसने दूसरी शादी अपने सगे भाई से कर ली है। इल्हान उमर अफ्रीकी शरणार्थी थी जो चुनाव जीतकर अमेरिका की संसद तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि इल्हान उमर हमारे देश से भी नफरत करती है। ये महिला ऐसी जगह से आई है जहां पे सरकार तक नहीं है, और हमें आकर ज्ञान दे रही है कि देश कैसे चलाना है। चलिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का धमाकेदार बयान सुनवा देते हैं। Didn't she marry her brother? Right? She came in, she married her brother. This is nice. Think of it. She hates our country. She hates our country. She comes from a place that doesn't even have a government. And then she comes here. She tells us how to run our country. बोला तो बहुत मतलब धड़ाके वाला है ट्रंप ने, क्योंकि को मैं सोच रही थी यही अगर मतलब जो बाइडन या कोई और हो, वो इस टाइप से नहीं बोलेगा, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करेगा। ट्रंप ही एक ऐसा है जो मतलब सामने वाले को जो मन में आएगा वो मतलब अपने आप को रोकेगा नहीं, वो उसी टाइम उसके मुंह पे बोलेगा। अब इस टाइम तो बोला भी ठीक है कि भैया तुम उस कंट्री से आयो कि जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और तुम हमारी कंट्री में शरणार्थी बन के आई, वहाँ से आई है कि मुझे मतलब असाइलम चाहिए, मेरी जान को खतरा है, फलाना ठमकाना जो भी उसने अपनी स्टोरी बनाई होगी, उस कंट्री ने यूएसए ने दया करके उसको शरण दी, और कह रहे हैं वहाँ यहाँ आके ये हमें सिखा रही है कि हमें अपनी कंट्री कैसे चलानी है। बात है तो हैरानी की कि देखो, और कह रहे हैं कि शादी दूसरी शादी जैसे बोल रहे थे, ऐसे लग रहा है दूसरी शादी की है, और वो भी अपने भाई से। तो वो देख के सब हैरान हो ही रहे हैं कि कैसे लोग हैं, कैसी सोच है, क्या बोलते हैं।
तो वो बता रहे हैं कि भैया कैसे लोगों को, अब मुझे समझ में आया कि मैंने जहाँ पढ़ रही थी, जब मैंने बताया था ना आपको कि मैं पढ़ रही थी, ट्रम्प कह रहा था कि रेडिकलाइज्ड सोच वाले लोगों को अब हम अपने देश में नहीं आने देंगे, हमने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज और प्रोसीजर्स बनाने हैं जिससे मेक श्योर करें कि उस टाइप के लोग हमारे देश में ना आए। तो उनको दिख रहा है ना कि उस टाइप के लोग जब आ रहे हैं और फिर जब वो घुस रहे हैं गवर्नमेंट की वर्किंग के अंदर भी इन पोजिशंस में, और अपना वो माइंडसेट खोल के जब बोलते हैं, तो अब यहाँ पे भी लोगों को शॉक लग रहा है कहाँ से आ गए लोग हमारे देश में। तो वो भी देखिए अजीब बात ये होती है, एक लेडी आ रही है अफ्रीका से, उस लेडी को इंडिया से क्या लेना देना। एग्जैक्टली, यू आर कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, तो मैं अफ्रीका से आके यूएसए में आई है, अब यूएसए में ठीक है यूएसए की जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में करो, मगर अगर कोई इंसान आता है और सीधा बोलने लग जाता है रिलीजन फर्स्ट के हिसाब से, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। पाकिस्तान क्या करने गई थी कि ना जो तुम्हारा लेना पाकिस्तान कोई लेना देना नहीं है, तुम अफ्रीका में रहने वाली थी, कुछ भी नहीं है, असाइलम लेके तुम यूएसए में आई हो, तुम अब तुम यूएसए की सिटीजन, तुम यूएसए के बारे में बात करो, पाकिस्तान कहां से तुम पहुंच गई भाई, पाकिस्तान क्यों गई थी, वहां से फंड मिलता है क्या, यूके में क्यों जाना है, वो सारा चक्कर अगर एक इंसान रिलीजन फर्स्ट के माइंड सेट से ही करेगा कि मेरा रिलीजन मैच करता है तेरे रिलीजन से, तो मैं तेरे साथ हूँ, चाहे तूने दुनिया भर का तू टेररिस्ट हो। एग्जैक्टली, चक्कर तो ये आ रहा है कि लोग जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने रिलीजन को पहले, ये नहीं देख रहे कि दूसरा बंदा ठीक है नहीं है। एग्जैक्टली, कितने सारे लोग हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा यार तू पहले जस्ट बिकॉज रिलीजन मैच करता है तू उसको सपोर्ट करेगा, तू अच्छा बुरा तो देख, अच्छा बुरे के हिसाब से डिसाइड कर, उससे तेरा कैरेक्टर भी अच्छा होगा, वरना सभी लोग बोलेंगे कि ये तू बिल्कुल ही ब्लाइंड है जो रिलीजन के हिसाब से देख के करता है। कहीं पर पहले इंसान को अच्छा भला देखो फिर डिसाइड करो क्या होता है, डोंट गो बाय रिलीजन, क्योंकि कोई दूसरे रिलीजन का बंदा भी ठीक हो सकता है जिसको तुम बोलो आई सपोर्ट यू क्योंकि तू अच्छा इंसान है, और वही अगर कोई और रिलीजन का ऐसे करेगा तो तुमको फिर तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि दूसरे कोई रिलीजन के लोग इस टाइप की सोच रखते नहीं है, दे आर ब्रॉड माइंडेड, वो राइट और रॉन्ग देखते हैं। यहाँ पे जो है पता नहीं इनको कैसे क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो इनको राइट रॉन्ग तो छोड़ो, वो तो ब्लाइंडली बस रिलीजन के हिसाब से जा रहे हैं कि इन लोगों को ऐसा बना दिया कि पहले रिलीजन देखते हैं फिर उस हिसाब से चलते हैं, जबकि पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि लॉजिकल इंसान को देख लीजिए कौन सही है कौन गलत है, सही के साथ हम जाएंगे, बट दे आर नॉट, और ये सब चीजें यूज हो रही है पॉलिटिक्स में। एग्जैक्टली, और भी शॉकिंग ये लग रहा है, यूएसए में रह के बढ़िया एक्सपोजर तुमको मिला, यूएसए में तुम जा देखो कि ऐसी सोच है ही नहीं, सब मिलजुल के रह रहे हैं, फिर भी तुम वो सोच लेके यहाँ आ गई और वो सोच लेके उसी सोच में बैठी हुई हो, वो मुझे बहुत शॉकिंग लगता है। एक तो बंदा पढ़ा लिखा इंसान, ऐसी पोस्ट तक पहुंच चुका है वो इंसान, यूएसए में कितने टाइम से रह रहा है, लोगों से बातचीत करता है, अच्छी सोच वाले लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, फिर भी तुम्हारी सोच वैसी की वैसी घटिया बेकार गंदी। अमेजिंग है यार, समझ नहीं आता ये लोग हैं कैसे, क्या 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 इनके दिमाग में घुसा के रखा हुआ है कि ये मतलब अपने सोच को बदल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं तो अगर तुम्हारी ये पहली सोच थी जब तुम अफ्रीका में रहती थी, एटलीस्ट यहाँ आके कि भैया इस कंट्री ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मुझे यहाँ पे रहने को दिया, तुम यहाँ के सिटीजन ही नहीं फिर भी तुमको रहने को दे रहे, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, बल्कि तुम यहाँ आके दादे बन रहे हो, हद ही हो गई यार, कमाल ही है। चलो आप ट्रंप ने अच्छा बोला है, बहुत ही वेरी नाइस, तो वो सिटीजन होंगी रेडी, मगर हाँ फिर भी जो भी है, पर तुम ध्यान से सोच समझ के बोलो यार, तुम इस तरह से कैसे बात कर रहे हो, क्या सोच लेके बोल रहे हो ये। तो आप भी अपना शेयर करना थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।